हेलो गाइस, सो आई जस्ट वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हो गाइस? जैसा कि हम सबको पता है, फ्रॉम टुमारो आवर जेई मींस मार्च सेशन एग्जाम्स विल स्टार्ट। एंड गाइस, कल से जो कि एनडीए ने चार डे रखा था, 15, 16, 17, 18, बट एनडीए वालों ने एक दिन कम कर दिया, क्योंकि वैसे उतने स्टूडेंट्स नहीं थे और दे सेड दैट दे कैन मैनेज द स्टूडेंट्स, दे कैन मैनेज द एग्जाम इन 6 सेट्स ओनली, दैट इज इन 3 डेज ओनली। सो उन लोगों ने 16 से हमारा एग्जाम कर दिया। सो हमको उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। और गाइस, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले कि भाई क्या तू मार्च सेशन का भी जेई लाइव सॉल्विंग करवाएगा जैसे कि हम लोगों ने फेब्रुआरी सेशन में किया था। तो यस गाइस, वी विल गो लाइव एंड वी विल सॉल्व द पेपर लाइव। कोई अदर सपोर्ट नहीं रहेगा, हम खुद से सॉल्व करने वाले हैं इस पे। और गाइस, कैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे को लाइव सेशन के दौरान पूछे गए थे, मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर लेके आया हूं और मैं इसका आंसर्स देने वाला हूं इस वीडियो में। गाइस, बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। और लास्ट में एक सरप्राइज गिफ्ट है फॉर द जेई एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम है कल, परसों या ऑन 18th। सो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, बहुत यूजफुल होगा गिफ्ट। और गाइस, जस्ट कंटिन्यू द वीडियो, ओके, एंड स्टे टिल द एंड, ओके गाइस। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले कि भाई क्या तू मार्च सेशन के भी पेपर्स को लाइव सॉल्विंग करोगे? तो यस गाइस, वी विल सॉल्व एट व्हाट टाइम, सो हमको हमारा टाइम फिक्स्ड है। मेरी यही कोशिश रहती है कि हम सबसे पहले यहां पे वीडियो लाए, सबसे पहले क्वेश्चन थे, सो दैट। और इस बार मैंने एक और चीज नया सोचा है कि हम इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इतने जल्दी जल्दी वैरायटीज दिखा देंगे स्टूडेंट्स को कि पर डे, मतलब कल 16th को फर्स्ट सेट के स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स ने जो भी एग्जाम दे दिया है उनसे क्वेश्चंस लेके बिफोर 2:30 PM हम सेकंड सेट के स्टूडेंट्स के पास सारे क्वेश्चंस पहुंचा दें, सो दैट दे कैन नो द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क्ड इन शिफ्ट 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, हम अक्सर देखा है हमने कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं सेम वही पैटर्न पे शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आते हैं। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस मैच नहीं करते, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं होते, बट वैल्यू चेंज करके कॉन्सेप्ट वही पूछ जाते हैं। सो गाइस, बहुत यूजफुल होता है। तुम अगर तुम्हारा इफ यू आर लकी, अगर तुम्हारा एग्जाम सिर्फ 2 में है तो देन यू आर वेरी मच लकी एंड आई विल जस्ट प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क्ड इन सेशन 1 सिर्फ 2। ओके गाइस, सो गाइस हम मूव ऑन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे को लाइव सेशन में पूछे गए थे, कमेंट्स मिले, तो मैं उन सबका आंसर देने वाला हूं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है How I get questions in very less time? Yes guys, ये questions मेरे को बहुत बार मिले, बहुत लोगों ने पूछा कि इतना जल्दी questions कहाँ से लेके आते हो, क्या तुम्हारा NTA के साथ setting है? तो नहीं guys, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, question तुम लोग देते हो मेरे को, वही तुम लोग help करते हो मेरे को इस काम में। okay, कैसे guys? तो guys देखो, जैसा कि अगर तुम मेरे दोस्त है कोई, वो एग्जाम देने जा रहा है कल, उसका पेपर है सिर्फ 12 में, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट करता हूँ, भाई कल तू मेरे को जैसे ही एग्जाम के पेपर एग्जाम देकर निकलेगा तो यू जस्ट गिव मी क्वेश्चंस ऑफ 1-2, एक दो क्वेश्चंस दे दो मेरे को यार, मैं उनसे मांग लेता हूँ। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी दिखा था नीचे में डिस्क्रिप्शन में, हमेशा हर एक लाइव सेशन के मैं दे देता हूँ लिंक, टेलीग्राम लिंक रहता है, व्हाट्सअप लिंक रहता है कि तुम जाओ वहाँ पे, वहाँ उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे तुम क्वेश्चन सेंड कर दो। सो गाइस, ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन मिलता है, मैंने कोई NTA सेटिंग नहीं रखी है। और गाइस, 110% करेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। क्यों? और अगर तुम यार गलत क्वेश्चन भेजोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बट मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही करता हूँ और कोई नहीं है। सो क्वेश्चंस को देखता हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ ये जेई मेंस का लेवल का है तो आ सकता है, फिर मैं अपने स्टूडेंट से जो भी यहाँ पे लाइव प्रेजेंट रहते हैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बहुत फास्टली डिस्कस करते हैं। बिफोर 2:30 PM आई जस्ट ट्राई टू गिव ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन शिफ्ट 1। ओके, सो गाइस ये आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि मैं तुम लोगों के हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे तुम, हम जनरली वे में कह सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं सो दैट वी कैन गेट क्वेश्चंस इन जस्ट वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस वीडियो यूजफुल फॉर, गाइस मैंने बताया यार सेकंड सेट के लिए बहुत होगा, बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। क्यों? ये वीडियो है सेकंड सेट के लिए, कोई भी मैं लाइव सेशन हुआ फर्स्ट सेट का तो वो सेकंड सेट के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और सेकंड सेट वाला भी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सेकंड सेट में हम सिंपली दोनों सेट का मिला के फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और हम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके गाइस, तो मेरे लाइव लेक्चर्स को देखते रहना और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आर क्वेश्चंस रिपीट? यार क्वेश्चंस क्या रिपीट होते हैं? तो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं बट कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट करते हैं। गाइस, जो भी क्वेश्चंस मैं यहां दिखाऊंगा, जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You will provide PDF or not? Guys, मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, तो PDF provide करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, but I will try. मैं मार्च सेशन में PDF provide करने का try करूंगा, ठीक है। PDF नहीं मिलता तो 2-3 मिनट का short video बना के pics click करके मैं 2-3 मिनट का video बनाकर upload कर दूंगा, okay? But I will try to do my best, okay? Now next is surprise gift. तो guys,
क्या है सरप्राइज गिफ्ट गाइस, तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह तुमको मिलता होगा फॉर्मूला सीट, फॉर्मूला चार्ट मिल जाता होगा, जिसमें हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पूरे वैरायटीज ऑफ फॉर्मूलास रहते होंगे। सो गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो कुछ फॉर्मूला सीट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कुछ तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का चीट सीट प्रोवाइड करूंगा। चीट सीट या चीट सीट का मतलब ये नहीं है कि तुम चीटिंग इससे चीटिंग यूज करोगे, चीटिंग के तौर पे यूज करोगे। गाइस, चीटिंग के तौर पे यूज कर सकते हो, बट कहां, तुम अपने माइंड में फिट करके जाओगे और एग्जाम में लिखोगे। यार मैं पूरे वैरायटीज ऑफ जो भी क्वेश्चन आते हैं 20-25 साल के क्वेश्चन को, एमसीक्यू को मैंने अच्छे से देखा, उस पे जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनके बहुत ही कंसाइज वे में मैंने लिख के तुमको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है गाइस, उसके लिए क्या करना है, अगर वैसे देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ अभी, वो चीट सीट का देख लो, प्रेजेंट स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। सो गाइस, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेरा टेलीग्राम पे चैनल दैट इज राकेश कुमार यादव, तुम जाकर देखना, मेरा फोटो लगा हुआ होगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां पे मैं चीट सीट्स प्रोवाइड कर दूंगा बिफोर 9 PM टुडे, 9 बजे से पहले मैं वो चीट सीट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कल मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।